हेलो फ्रेंड्स टुडे वी शेल बी कवरिंग फ्यू क्वेश्चंस इन कंसर्न टू अ टॉपिक नेमिंग रिलेशनशिप एज ई ने वेरी इंटरेस्टिंग एंड इजी टॉपिक इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक व्हाट वी रीड टू सी इज कौन किसका चाचा मामा ताया है एंड वी रीड टू कंस्ट्रक्ट अ ट्री डायग्राम फॉर दैट यू मे से इट्स अ फ्लो चार्ट और यू मे से इट्स अ ट्री डायग्राम तो हमें बेसिकली जो भी क्वेश्चन होता है उसके लिए एक पाथ बनाना है एक ट्री डायग्राम बनाना है या एक फ्लोचार्ट चार्ट बनाना है और उसके अकॉर्डिंगली बताना है कौन किसका मामा चाचा ताया है इस चीज को समझने के लिए हम लोग एक छोटे से पजल से शुरू करते हैं विल कवर स्मॉल पजल इन कंसर्न टू दिस सो इफ आई आस्क यू दैट आई नीड टू डिवाइड रुपेज

My question says in the family, there are two fathers, there are two sons and there is one grandfather, Dadaji. So I repeat my question again. Har ko zyada se zyada We need to divide थ्री लाख रुपीस इक्वली अमंग दी फैमिली मेंबर्स सो so, फैमिली के बारे में मैंने आपको बता दिया एक फैमिली में दो फादर हैं दो लड़के हैं और एक ग्रैंडफादर है इनको ज्यादा से ज्यादा पैसा मिलना चाहिए तीन लाख रुपया बांटना है तो पहली बार सुन के हमें ऐसा लगता है अरे यार ये तो बहुत ही सिंपल है पांच बंदे हैं और तीन लाख रुपया है तो तीन लाख को पांच में डिवाइड कर दो लाख को यदि आप पांच में डिवाइड करते हैं तो आपके पास आ जाता है प्रति बंदा सिक्सटी थाउजेंड रुपीज दैट इज इफ आई डिवाइड थ्री लाख बाय फाइव आई गेट सिक्सटी थाउजेंड रुपीज इज दैट ओके सो दिस साउंड्स इजियर टू मी कि मैं बड़े आराम से तीन लाख को पांच से डिवाइड कर दू बट क्या यही हमारा क्वेश्चन है उसने क्वेश्चन में कहा है कि दो फादर हैं दो सन हैं, और एक ग्रैंडफादर है और ज्यादा से ज्यादा पैसा मिलना चाहिए तो मैं क्या करूंगा मैं एक फैमिली कुछ इस प्रकार से बनाऊंगा ग्रैंडफादर फादर और उनका लड़का यानी कि मैंने तीन जनरेशन यहां पे बनाई है तो इससे भी तो मेरे क्वेश्चन का गिवन सेटिस्फाई होता है चेक करें कैसे उसने कहा था एक फैमिली में दो फादर हैं ये इनके फादर हैं ये इनके फादर हैं उसने कहा था एक फैमिली में दो लड़के हैं यह इनका लड़का है ये इनका लड़का है उसने कहा था फैमिली में एक दादाजी हैं एक ग्रैंड फादर है तो ये रहे ग्रैंड फादर दैट मीनस सिर्फ तीन बंदों की फैमिली से हम बड़े आराम से ये सारे के सारे कॉन्स्ट्रेंस कवर कर सकते हैं और अगर तीन ही बंदे होंगे तो हर बंदे को कितने पैसे मिलने वाले हैं दैट इज एक लाख रुपया और ये मैक्सिमम अमाउंट है क्योंकि हमारा क्वेश्चन भी यही मांगता है कि हर बंदे को मैक्सिमम पैसे मिलने चाहिए तो दैट मींस दिस इज द रॉन्ग लॉजिक विच वी हैव अप्लाइड द राइट लॉजिक इज कि हम बंदों को कम से कम करें ताकि पैसा ज्यादा से ज्यादा मिले उन बंदों को सो दिस इज नोन एज अ ट्री डायग्राम और अ फ्लो चार्ट जहां पे मैंने फैमिली का पूरा स्ट्रक्चर बनाया है ताकि हमारे गिवन कॉन्ट्रेंस ट्रू हो सके और उसके अकॉर्डिंगली क्वेश्चन को सॉल्व किया है ऐसे क्वेश्चन रिलेशनशिप के क्वेश्चन कहलाते हैं क्योंकि इनमें रिलेशनशिप गिवन होते हैं और हमें उनको समझ के क्वेश्चन को चलाना होता है सो आई होप अब आपको एक फेयर आइडिया हो गया होगा कि हम किस प्रकार के क्वेश्चंस को कवर करने जा रहे हैं अच्छी बात यह है कि हिंदी में तो हम मामा चाचा ताया बहुत सारे नाम फूफा बहुत सारे नाम यूज करते हैं पर इंग्लिश में इन सबका सीधा सीधा रिप्लेसमेंट हो जाता है या तो नेम अंकल से या नेम आंटी से फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूं मासी जी तो वो भी आंटी है मैं आपसे कहूं चाची जी तो वो भी आंटी है मैं आपसे कहूं ताई जी तो वो भी आंटी है तो एक आंटी वर्ड को यूज करके ये सारे के सारे रिलेशनशिप कवर हो जाते हैं सिमिलरली अगर मैं आपसे कहूं चाचा जी अगर मैं आपसे कहूं ताया जी मामा जी तो ये सारे के सारे अल्टीमेटली किससे रिप्लेस होने वाले हैं दैट इज अंकल से क्योंकि इंग्लिश में हम सीधे सीधे इनको क्या बोलते हैं अंकल बोलते हैं एक चीज और हमें पता होनी बहुत ज्यादा जरूरी है जो कोई रिश्ता शादी के कारण बनता है उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं इन लॉ फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलता हूं फिल, इसकी फुल फॉर्म है, फादर इन लॉ फादर इन लॉ इसका क्या मतलब हुआ कि बंदे की शादी हो गई है उसकी बीवी के जो फादर हैं उनको हम बोलते हैं फादर इन लॉ इसी तरीके से हमारे पास आता है मिल मदर इन लॉ जो बीवी है उसकी मदर को मदर इन लॉ बोलेंगे या बीवी के लिए जो हस्बैंड के मदर हैं उनको मदर इन लॉ बोलेंगे सिमिलरली ब्रदर इन लॉ सिस्टर इन लॉ ये सब चलते हैं मींस जो हस्बैंड और वाइफ हैं उनके सारे कजन या उनके ब्रदर सिस्टर जो हैं वो सारे के सारे इन लॉ कहलाते हैं ब्रदर इन लॉ सिस्टर इन लॉ फादर इन लॉ मदर इन लॉ एंड सो ऑन तो ये सारे नाम हमारे क्वेश्चन में यूज होते हैं इस वैरायटी के क्वेश्चन नॉर्मली आसान माने जाते हैं सो लेट्स हैव अ लुक एट क्वेश्चंस क्वेश्चंस दो प्रकार से आते हैं सिंगल छोटे क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे बड़े पैसेज बेस्ड क्वेश्चन भी मिलेंगे जैसे कि आपको पता है कि पीएसए में हमारे पास दो प्रकार के क्वेश्चन रहते हैं सिंगल आल्सो एंड पैसेज बेस्ड आल्सो सो इस वैरायटी में पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस आने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं सो लेट्स मूव ऑन टू वन सच पैसेज बेस्ड क्वेश्चन स्टूडेंट्स को एडवाइस किया जाता है कि वो इस वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को अच्छे से समझें इसका ट्री डायग्राम बनाए और उसके बाद क्वेश्चन पे चले और क्वेश्चन के आंसर बताने की कोशिश करें तो हमारा क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन कहता है एक फैमिली में तीन जनरेशन है जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने जनरेशन बनाई थी इसमें भी तीन जनरेशन है देर आर टू कपल्स टू कपल्स मीन्स शादीशुदा कपल हस्बैंड एंड वाइफ हमारे पास दो पेयर आने वाले हैं टू पेयर्स ऑफ ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ये भी रहने वाले हैं नीता इज दिस्टर इन लॉ ऑफ लीना गीता इज द डॉटर ऑफ जय एंड राजेश इज द एल्डेस्ट कपल इन दैमिली जगदीश इज द सन ऑफ लीना जय इज द सन ऑफ राजेश हिज वाइफ इज लीना ये सारी इंफॉर्मेशन हमें बता रखी है और इसके हिसाब से हमें अपना ट्री डायग्राम बनाना है या फ्लो चार्ट बनाना है और फिर हमारे पास क्वेश्चन आएंगे और उन क्वेश्चन को हम आंसर करेंगे तो नॉर्मली इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए डेढ़ से दो मिनट लगते हैं उसमें ये ट्री डायग्राम बन जाता है और उसके बाद आप सभी के सभी क्वेश्चन के आंसर बड़े आराम से इतमान से बता पाएंगे तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं और साथ साथ उसका ट्री डायग्राम भी समझने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन क्या है और उसका ट्री डायग्राम क्या है चलिए अब देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है क्वेश्चन में बताया गया है कि इसमें तीन जनरेशन है दो कपल है तो ये कोई जरूरी नहीं कि जो हमें पहली इंफॉर्मेशन बता रखी है वही हमारे लिए वाइटल इंफॉर्मेशन है जैसा हम मैं पहले भी बोल चुका हूं तो हम कहां से कहानी शुरू करेंगे हम पॉइंट नंबर फोर्थ से कहानी को शुरू करेंगे पॉइंट नंबर फोर्थ कहता है ज्योत्सना एंड रजेश इज द एल्डेस्ट कपल इन दी फैमिली यानी कि फैमिली ट्री में सबसे ऊपर ज्योत्सना और रजेश आने वाले हैं तो मैं क्या करूंगा ज्योत्सना राजेश इनको सबसे ऊपर ट्री डायग्राम में बना लूंगा एक कपल बन गया और ये सबसे ऊपर वाला कपल है क्योंकि लिखा है। है फिर कहता है, जगदीश इज दी सन ऑफ लीना मैंने यहां लीना तो बना ही नहीं, मैंने राजेश। तो मैंने जगदीश या लीना को अभी नहीं किया फिर मुझे बताया गया जय इज दी सन ऑफ राजेश ज्योत्सना एंड इनके लड़के के बारे में भी पता चल गया कौन है इनका लड़का जय तो इनका लड़का जय है और जय की वाइफ के बारे में भी बता दिया उसकी वाइफ कौन है लीना यानी कि मेरे पास दोनों के दोनों कपल भी आ गए और मेरे पास दो लेवल भी बन चुके हैं अब तीसरी जनरेशन बाकी है और कुछ बंदे और बाकी हैं तो हम क्वेश्चन की स्टेटमेंट को दोबारा से पढ़ने की कोशिश करेंगे देर आर टू कपल्स टू पेयर ऑफ ब्रदर्स एंड सिस्टर्स अभी ब्रदर और सिस्टर तो आए नहीं फिर बताया है गीता इज द डॉटर ऑफ जय तो गीता इज द डॉटर ऑफ जय सुनते ही मैंने गीता यहां लिख दिया तो तीसरी जनरेशन भी शुरू हो गई फिर उसने कहा ज्योत्सना एंड राजेश इज द कपल ये मैं ऑलरेडी यूज कर चुका हूं फिर उसने कहा जगदीश इज द सन ऑफ लीना जगदीश इज द सन ऑफ लीना ये बड़ी अच्छी इंफॉर्मेशन है क्योंकि ये बोलते ही यहां पे जगदीश आ जाएगा यानी कि जगदीश और गीता क्या हो गए भाई बहन हो गए यानी कि जो हमारा भाई बहन वाला कॉन्स्ट्रेन था वो भी काफी हद तक पूरा हो रहा है अब इस पूरे में सिर्फ एक बंदा बचा है इनफैक्ट हर नेम इज इज नीता नीता यहां पे लिखा है सिस्टर इन लॉ ऑफ लीना नीता जो है वो सिस्टर इन लॉ है किसकी लीना की दैट मीन वो किसकी सिस्टर होनी चाहिए वो सिस्टर होनी चाहिए जय की तो यहां पे हमारे पास नीता आना चाहिए और नीता बनेगी लीना की सिस्टर इन लॉ क्योंकि वो जय की सिस्टर है और जय और लीना हस्बैंड एंड वाइफ है तो मैं देख पा रहा हूं कि मेरे पास दो कपल आ गए ज्योत्सना एंड राजेश जय एंड लीना दो भाई बहन के पेयर आ गए नीता एंड जय जगदीश एंड गीता अब हमारे पास जो भी क्वेश्चन आए अगर हमने यह डायग्राम सही बना लिया है तो बड़े आराम से हम उन क्वेश्चन के आंसर दे पाएंगे तो जरा देखते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन क्या है और फिर उसके बाद उनके आंसर भी बता देते हैं तो इसके साथ हमारे पास दो क्वेश्चन आते हैं पहला क्वेश्चन पूछता है लीना इज डैश ऑफ राजेश, लीना राजेश की क्या है फिर पूछता है Who is the aunt of Jigdish? Jigdish के आंट कौन है तो दोनों ही क्वेश्चन आसान है क्योंकि उसने पूछा है लीना राजेश की क्या है देखिए जरा दोबारा से डायग्राम पे जा रहा हूं लीना राजेश की क्या है ये रही लीना ये रहे राजेश हमें देख के नजर आ रहा है कि ज्योत्ना और राजेश का बेटा था, था जय और उनकी बहू थी लीना तो लीना राजेश की क्या हुई बहु हुई तो बहु को हम इंग्लिश में बोलते हैं डॉटर इन लॉ डॉटर इन लॉ सो दैट मीन आंसर टू माई क्वेश्चन वुड बी लीना इज डॉटर इन लॉ ऑफ राजेश सिमिलरली क्वेश्चन इज हु इज़ आंट ऑफ जगदीश जगदीश की आंटी कौन है तो दोबारा डायग्राम में देखिए ये रहा जगदीश ये तो इसके माता पिता हैं और ये इसकी बुआ है तो बुआ को हम क्या बोलते हैं दैट इज आंटी तो दैट मीन्स हु इज द आंट ऑफ जगदीश दैट इज आंसर वुड बी नीता इसी चीज को हम दोबारा से एक बार ट्री डायग्राम पे देख लेते हैं जो हमने बना रखा है कि ये डायग्राम कैसा नजर आएगा तो देखिए दोबारा से राजेश और ज्योत्सना का पहला कपल था इनका लड़का और इनकी एक लड़की थी दैट इज डॉटर इन लॉ दैट इज कपल आया जयलीना और डॉटर आई नीता और लीना बन गई डॉटर इन लॉ जय और लीना के कपल के पास एक लड़का है जगदीश और एक डॉटर है दैट इज गीता यही हमने डिकोड किया है यही पेड़ हमने बनाया है इसी को हम ट्री डायग्राम बोलते हैं और इसी को हम फ्लो चार्ट भी बोलते हैं सो आई होप यू आर क्लियर विद क्वेश्चन दो क्वेश्चन हमारे पास आए थे दी फर्स्ट वन वॉज लीना इज द डैश ऑफ राजेश लीना राजेश की क्या है तो हमने देख लिया लीना राजेश की डॉटर इन लॉ है फिर दूसरा क्वेश्चन आया था हु इज द आंट ऑफ जगदीश वो भी हमने देख लिया कि जगदीश की आंटी कौन है उसकी बुआ कौन है दैट इज नीता सो आई होप दैट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू सो इस तरीके के हमारे पास बड़े क्वेश्चन बनते हैं इस टॉपिक में जहां पे हमारे पास पूरा पैसेज पैसेज रहता है और उस पैसेज को पढ़ के हमें को आंसर करना होता है दीज आर नॉर्मली कंसिडर्ड टू बी एन ईजियर क्वेश्चन मीन्स काफी सारी जनता इनको बड़े आराम से बना पाती है और ये सही भी हो जाते हैं चलिए इसी तरीके से क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हुए हम न्यू वैरायटी या न्यू क्वेश्चन पे चलते हैं जैसा मैंने आपसे पहले भी कहा इस चैप्टर में आपके पास पैसेज बेस्ड क्वेश्चन भी बनते हैं और सिंगल क्वेश्चन भी बनते हैं हमने दो क्वेश्चन कवर किए जो एक पैसेज के साथ आए फिर दोबारा एक क्वेश्चन कवर करने जा रहे हैं जिसके साथ हमारे पास कुछ पार्ट्स आएंगे सब पार्ट्स आएंगे सो द क्वेश्चन देर आर सिक्स पर्सन ए बी सी डी ई एफ यानी कि फैमिली में हमारे पास छह बंदे हैं सी इज दिस्टर ऑफ एफ तो सी और एफ के बीच में हमें रिलेशनशिप पता चल गया सी जो है वो एफ की सिस्टर है अब ये जो सेकेंड लाइन है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है सी इज दी सिस्टर ऑफ एफ दैट मीन्स सी तो लड़की है पर एफ के बारे में नहीं पता एफ भी लड़की हो सकती है और एफ लड़का भी हो सकता है तो वो इंफॉर्मेशन अभी हमें पता नहीं चली फिर कहता है बी इज ब्रदर ऑफ इंड इज दर ऑफ एंड ग्रैंड फादर ऑफ एफ फिर कहता है उसने ये जो भी सारी की सारी की बताई है, उसके लिए हमें दोबारा से एक ट्री डायग्राम बनाना पड़ेगा और फिर उसके अकॉर्डिंगली इस क्वेश्चन को चलाना है तो वही ट्री डायग्राम मैं बनाने जा रहा हूं आप अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो आपके लिए हिदायत है कि आप इसको दो मिनट के लिए पॉज कीजिए ट्री डायग्राम बनाइए फिर आने वाले क्वेश्चंस को देखिए और चेक कीजिए कि आपका बनाया हुआ ट्री डायग्राम सही है या नहीं चलिए लेट सॉल्व दिस क्वेश्चन हीस पर्सन तो मुझे पता चल गया मेरे ट्री डायग्राम में छह बंदे आने वाले हैं सी इज दिस्टर ऑफ एफ मुझे यह भी पता चल गया सी और एफ जो है वो ब्रदर सिस्टर है या सिस्टर सिस्टर है बी इज द ब्रदर ऑफ इज हजब ये भी अभी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन नहीं है तो मैं कहानी यहां से शुरू नहीं करूंगा डी इज फादर ऑफ ए एंड ग्रैंड फादर ऑफ एफ ये सबसे अच्छी इंफॉर्मेशन है डी ए के पिता है और एफ के ग्रैंडफादर है तो मैं अपना डायग्राम कुछ इस तरीके से शुरू करूंगा डी ए के फादर है और एफ के ग्रैंडफादर है यानी कि मेरे पास तीनों जनरेशन का लेवल बन गया अब मुझे उस लेवल को फिल करना है टोटल बंदे हैं छे में से तीन बंदे तो हमें एक ही लाइन से पता चल गए डी ए एंड एफ वैसे भी क्वेश्चन में हिंट भी है आर टू फादर्स सो डी इज इज फादर ऑफ ऑफ ए ए एफ तो दो फादर पूरे हो गए उसने कहा थ्री ब्रदर्स हैं और एक मदर भी है अब वो सब चीजें हमें यहां पे फिट करनी है जो जो इंफॉर्मेशन हमें बता रखी है उसको देख के हमें इंफॉर्मेशन को यहां पे फिट करना है तो चलिए दोबारा आप सेकेंड लाइन पे चलते हैं C is the sister of F. C is the sister of F. Sister. यानी कि ये लड़की है F के बारे में अभी हमें नहीं पता उसने हमें कहा था D इज द फादर ऑफ A एंड grandfather of ऑफ F. F male मेल है फीमेल है हमें नहीं पता तो ये सिस्टर लड़की भी हो सकती है और लड़का भी हो सकता है पर चांसेस आप खुद देखिए क्या हो सकते हैं क्वेश्चन में बोला गया है, देर आर टू फादर्स हमने बना लिए थ्री ब्रदर्स एंड अ मदर अभी एक लड़की और आनी है जो अल्टीमेटली यहां बनेगी मदर बने क्योंकि हमें एक मदर अभी इसमें बनाना बाकी है चार बंदे हमने बना लिए दो बंदे बाकी हैं उन दो बंदों के नाम क्या है बी और ई e. तो देखिए बी और ई e के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है बी इज ब्रदर ऑफ इज हसबेंड इज हजब दैट मीन सीधे सीधे हमें समझ आ रहा है यहां पे जो कपल बन रहा है वो ई e का है ई e हो गया मदर जिनके हस्बैंड हैं ए और ए के ब्रदर हैं बी इससे मुझे क्या पता चला दोबारा से लाइन को पढ़ते हैं बी इज द ब्रदर ऑफ ईज हस्बैंड ई के जो हस्बैंड हैं उनके ब्रदर बी हैं ब्रदर मींस लड़का हो गया सो दिस इज मेल दिस इज मेल फीमेल फीमेल मेल अब कहानी में देखते हैं कि और क्या क्या हमारे पास बाकी है क्वेश्चन में बोला गया था सी इज दिस्टर ऑफ एफ हमने बना लिया बी इज द्रदर ऑफ इज हजब हमने बना लिया एज इट इज छ के छह बंदे हम यहां पे डिपिक्ट कर चुके हैं डी इज द फादर ऑफ ए बन गया ग्रैंड फादर ऑफ एफ बन गया देर आर टू फादर्स डी फादर है ए का ए फादर है एफ का आर थ्री ब्रदर्स आर थ्री ब्रदर्स ये है हमारे पास लास्ट इंफॉर्मेशन ब्रदर कौन कौन है ए और बी भाई है आपस में तो दो भाई हो गए तीसरा भाई कौन है ये एफ तो ये क्या कहलाएगा ब्रदर लड़का ताकि जो हमारे पास उसने बोला है कि थ्री ब्रदर्स हैं, वो चीज यहां पे पूरी हो जाए कौन कौन हो गए थ्री ब्रदर्स बी और एफ आई होप ओके इस तरीके से मेरा पूरा ट्री डायग्राम कंप्लीट हो गया जो भी उसने हमें बताया था उसने कहा था छह बंदे हैं छह में एक ग्रैंडफादर दो फादर यानी कि डी और ए एक मदर ई e हो गई तीन ब्रदर बी ए और एफ हो गए एफ की सिस्टर सी यानी कि हमारा ट्री डायग्राम जो है वो कंप्लीट हो चुका है अब हमसे जो भी क्वेश्चन पूछा जाए हम बड़े आराम से इस डायग्राम के अकॉर्डिंगली वो बता सकते हैं तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या, क्या क्वेश्चन है हमारे पास तीन क्वेश्चन हमारे पास आ रहे हैं हु इज द मदर जो हमने ऑलरेडी ढूंढ लिया कौन है मदर ई e. अभी हमने देखा था इस डायग्राम में मदर कौन है ई देन इज इज हु ईज हस्बैंड ई के husband कौन है ये भी हम देख चुके हैं ई e के हस्बैंड कौन है ए तो माई आंसर वुड बी ए फिर उसने पूछा हाउ मेनी मेल मेंबर्स आर देर इन दी ग्रुप मेल मेंबर्स कितने हैं मैं देख चुका हूं ऑलरेडी ट्री डायग्राम में कि एक बहन थी और एक मदर थी टोटल छ में दो लड़कियां थी या दो लेडीज थी बाकी सब क्या कहलाएंगे मेल मेंबर्स तो कुल मिला में के मेल मेंबर्स कितने हो गए फोर सो दैट मींस आंसर टू आर क्वेश्चन इज दैट इज क्वेश्चन नंबर फोर ये जो कुछ मैंने कहा उस चीज को हम दोबारा एक बार देख लेते हैं कि क्या उसने पूछा था और हमने क्या क्या बनाया प्लीज अ लुक एट दिस डायग्राम ये वही डायग्राम है जो मैंने अभी ड्रॉ किया था अब आपके पास प्रिंटेड वर्जन है इसका सो यू कैन सी डी के दो लड़के ए और बी बी ए का ब्रदर ए की वाइफ ई e, ए का लड़का एफ एंड ट्री डायग्राम इज कंप्लीट चलिए आई होप दैट इज ओके फाइन सो वर टू पैसेज बेस्ड क्वेश्चन जो अभी आपने किए बोथ वर कैटेगराइज एज इजी क्वेश्चन आसान क्वेश्चन माने जाते हैं तो आपने खुद भी ये बनाने की कोशिश की होगी और चांसेस है कि अच्छे से बना भी लिया होगा अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे जो फिर दोबारा एक पैसेज बेस्ड क्वेश्चन होगा बट उसकी अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट है यह जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि उसको तरीके से कैसे सॉल्व करें लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है अगेन अ पैसेज बेस्ड क्वेश्चन अभिषेक भास्कर चंचल दिवर आर मैरिड टू अलका एश नीता एंड एनी नॉट ने इन दैट ऑर्डर नॉट ने इन दैट ऑर्डर का मतलब होता है ये कोई जरूरी नहीं कि अभिषेक अलका के साथ मैरिड है, या के साथ है। उन्होंने हमें order नहीं बताया भास्कर एंड दविंदर आर नॉट मैरिड टू एनी और टू एश अभिषेक इज नॉट मैरिड टू एश नॉर भास्कर टू नीता यानी कि इस क्वेश्चन में हमें ये देखना है कि कपल्स किसका किसके साथ बना है किसकी शादी किसके साथ हो रखी है चार लड़के हैं चार लड़कियां हैं अच्छी और आसान बात यह है कि जो लड़कों के नाम हैं वो अभिषेक भास्कर चंचल और दुविंदर हैं यानी कि मैं बड़े आराम से इनको रिप्लेस कर सकता हूं अल्फाबेट्स ए बी सी और डी अब आपको गिवन इंफॉर्मेशन से टेबल बनाना है और चेक करना है कि कौन किसका कपल है मींस किसका किसके साथ कपल है कौन किसका हस्बैंड है या वाइफ है अगेन इस क्वेश्चन को पॉज करके आपके पास दो मिनट अप्रोक्सीमेटली लगने चाहिए इसको सॉल्व करने के लिए उसमें ये पूरा क्वेश्चन बन जाएगा चलिए देखते हैं कि यह क्वेश्चन चलेगा कैसे एज दी क्वेश्चन अभिषेक भास्कर दैट मीन मुझे चार नाम लिखने हैं आदमियों के और चार नाम लिखने हैं औरत के दैट इज अलका ऐश नीता एंड एनी ये नाम लिखने के बाद मुझे चेक करना है कौन किसके साथ शादी किए हुए हैं यानी कि कपल बना रखा है तो पहले मैं यहां पे लेडीज के नेम्स लिख रहा हूं अलका ऐश नीता एनी और मैं एक टेबल की तरह यहां पे लाइंस लगा रहा हूं इसी चीज को आगे बढ़ाने के लिए इस तरफ मैं मेल मेंबर्स के नाम लिख रहा हूं अभिषेक भास्कर चंचल देविंदर इस टेबल बनाने का हमें यह फायदा रहेगा कि हम बड़ी ही आसानी से बता पाएंगे कि, कि किसका कपल किसके साथ बन रखा है तो अब हम साथ साथ इंफॉर्मेशन को पढ़ेंगे और यहां पे मार्क करते चलेंगे ही से भास्कर एंड देविंदर आर नॉट मैरिड टू एनी यानी कि भास्कर और दविंदर का एनी के साथ कपल नहीं बना भास्कर और देविंदर भास्कर और दविंदर का एनी के साथ कपल नहीं बना और किसके साथ इनका कपल नहीं बना भास्कर एंड दविंदर आर नॉट मैरिड टू एनी और टू एश मींस भास्कर और दविंदर एश के साथ भी मैरिड नहीं है तो मैंने यहां पे कांटे लगा दिए क्रॉस लगा दिए क्योंकि इनका कपल यहां नहीं बनना फिर उसने मुझे कहा अभिषेक इज नॉट मैरिड टू ऐश अभिषेक ज नॉट मैरिड टू एश नॉर भास्कर टू नीता नॉर भास्कर टू नीता जैसे ही मैंने ये सारे क्रॉस लगाए जो उसने मुझे बता रखे थे क्वेश्चन अपने आप नजर आना शुरू हो गया कि क्या आंसर बनेगा यदि तीन क्रॉस लग चुके हैं एश के साथ दैट मीनस टिक्का लगाने की राइट लगाने की सिर्फ एक ही जगह है दैट इज दिस दैट मीन्स एश इज मैरिड टू सी सी मीन्स चंचल तो हमने बड़े आराम से पता लगा लिया कि पहला कपल एश और चंचल का है तो जैसे ही चंचल का एश के साथ कपल बना बाकी जगह पे क्रॉस लग गया जैसे ही मैंने यहां पे तीन क्रॉस लगाए तो बची सिर्फ एक ही जगह तो वहां पे क्या आना चाहिए टिक आना चाहिए दैट मीन्स एनी इज मैरिड टू ए ए मीन्स अभिषेक जैसे ही हमने कहा एनी इज मैरिड टू अभिषेक अभिषेक के बाकी ऑप्शन खत्म हो गए क्योंकि शादी तो एक ही से होगी ना जैसे ही हम नीता पे पहुंचे तो तीन क्रॉस लगे हैं तीन क्रॉस लगने का मतलब क्या है यहां पे क्या लगेगा टिक लगेगा दैट मीन्स नीता इज मैरिड टू डी डी मीन्स दविंदर तो दविंदर के यहां पे क्या लगेगा क्रॉस जैसे ही तीन क्रॉस लगे तो यहां पे क्या लगेगा राइट सो दैट मींस अलका इज मैरिड टू बी बी मींस भास्कर और बड़े ही आसानी से मैंने पूरी इंफॉर्मेशन को एक टेबुलर फॉर्म में एक टेबल में कन्वर्ट कर लिया अब वो मुझसे जो मर्जी क्वेश्चन पूछे इस टेबल को देख के मैं वो सारे के सारे क्वेश्चन आंसर कर पाऊंगा तो आई होप दिस टेबल इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू आपने भी कुछ ऐसा ही बनाया होगा यदि आप टेबल नहीं बनाते तो यह क्वेश्चन ज्यादा टाइम लेगा टेबल बनाने से टिक लगाने से क्रॉस लगाने से यह क्वेश्चन थोड़ा आसान हो जाता है चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है तो पहला क्वेश्चन हमारे पास आया भास्कर इज मैरिड टू दूसरा आया नीता इज मैरिड टू तीसरा आया अभिषेक इज मैरिड टू यह सब कुछ तो हम ढूंढ चुके हैं भास्कर इज मैरिड टू भास्कर की शादी किसके साथ हो रखी है देखिए अलका के साथ नीता नीता इज मैरिड टू की शादी देखिए किसके साथ हो रखी है डी दविंदर के साथ अभिषेक इज मैरिड टू अभिषेक की शादी देखिए किसके साथ हो रखी है एनी के साथ सो so, कहने का मतलब यह है कि क्वेश्चन जो मर्जी हो यदि आपने टेबल बना लिया तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा क्वेश्चन को सॉल्व करना पूरे क्वेश्चन का सारा दारोमदार इसी बात पर रहता है कि आप टेबल कितना अच्छा बनाते हैं कितना सही बनाते हैं एक्यूरेट बनाते हैं अगेन जब भी आप किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं रीजनिंग में उसका सही होना बहुत ज्यादा जरूरी है नेगेटिव मार्किंग हो या ना हो पर यदि आप उसको गलत करेंगे और आंसर कहीं नन ऑफ दीज हुआ और आपने वो टिक कर दिया तो आपकी सारी मेहनत बेकार टाइम बेकार जो उस टाइम में आपने शायद कोई और दो क्वेश्चन करने होंगे तो वो सारा का सारा गड़बड़ा जाता है सो आपसे एडवाइस है कि आप क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त उन क्वेश्चन को सही सॉल्व करें दिक्कत हो तो वीडियो को पॉज कीजिए और उसमें से समझिए और फिर दोबारा खुद ट्राई कीजिए क्वेश्चन को दैट वॉज अगेन अ पैसेज बेस्ड क्वेश्चन पैसेज वाला क्वेश्चन था चलिए अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि एक सिंगल क्वेश्चन है यह सिंगल क्वेश्चन की वैरायटी बड़ी फेमस है बहुत सारे एग्जाम्स में रिलेशनशिप के क्वेश्चन जब आते हैं तो इस प्रकार के सिंगल क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्वेश्चन में आपको अलग अलग चीजों का मतलब बता रखा है स्टार का मतलब प्लस का मतलब माइनस का मतलब स्टार का मतलब है ए एंड बी आर ऑफ सेम प्लस का मतलब है ए इज यंगर देन बी यानी कि ए बी से छोटा है माइनस का मतलब है बी इज यंगर देन ए यानी कि बी ए से छोटा है इन सिंबल्स के मतलब के अकॉर्डिंगली हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो हमारा क्वेश्चन क्या है सचिन स्टार मदन स्टार का मतलब था सेम एज के सचिन स्टार मदन सचिन और मदन दोनों एक ही एज के हैं मदन माइनस रीना मदन माइनस रीना माइनस का मतलब था जो बाद में आएगा बी बाद में आएगा बी ए से छोटा है रीना बाद में आई है रीना मदन से छोटी है रीना यहां पर रहेगी मदन उससे ऊपर रहेगा ऊपर वाले की एज ज्यादा और नीचे वाले की एज कम यानी कि मैंने नोटिस किया कि सचिन और मदन रीना से एज में बड़े हैं तो उसके अकॉर्डिंगली मुझे चेक करना है कि कौन सी ऑप्शन सही ऑप्शन बनती है रीना इज यंगेस्ट बिल्कुल सही है रीना इज नो मदन इज यंगर रीना बिल्कुल नहीं मदन तो बड़े हैं एज में नन ऑफ दीज बिल्कुल नहीं तो दैट मीनस इस सिंपल से क्वेश्चन का आंसर क्या बनता है दैट इज रीना इज दंगेस्ट इन तीन में सबसे छोटी एज किन की है रीना की एक बार दोबारा देख लीजिए क्वेश्चन ने कहा स्टार स्टार का मतलब था सेम एज तो सचिन और मदन एक ही एज के हो गए एस और एम से मैंने उनको लिखा है मदन माइनस रीना माइनस का मतलब है बी ए से छोटा है यानी कि रीना मदन से छोटी है तो दैट मीन सबसे छोटी कौन होगी रीना सो दैट वॉज अ सिंगल क्वेश्चन आई होप आपको आसान लगा होगा और आसान है भी अगर आप इंफॉर्मेशन को ठीक से इंटरप्रेट करते हैं तो बड़े आराम से ये सिंगल क्वेश्चन बन जाते हैं ऐसा ही हम एक सिंगल क्वेश्चन और कवर करेंगे ताकि आपको कुछ आइडिया हो जाए कि सिंगल क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं सो so, क्वेश्चन says pointing टू अ मैन एक बंदे की तरफ देखते हुए कैलाश ने कहा हिज सन इज my सन्स अंकल हाउ इज मैन रिलेटेड टू कैलाश एक बंदे को देख के कैलाश ने उसके बारे में कहा कि इसका जो लड़का है वो मेरे लड़के का अंकल है तो दैट मीनस हाउ इज मैन रिलेटेड टू कैलाश उस बंदे का कैलाश के साथ क्या रिलेशनशिप है ये हमें बताना है अगेन ऐसे क्वेश्चन टफ क्वेश्चन माने जाते हैं क्योंकि बहुत बार हम इनका ट्री डायग्राम नहीं बना पाते और इनको हमें दिमाग में ही सोचना पड़ता है क्या है पर इन क्वेश्चन के लिए यदि आप ट्री डायग्राम बना लें तो क्वेश्चन को सॉल्व करना काफी आसान हो जाएगा तो चलिए देखते हैं कि इसका इसमें क्या इंफॉर्मेशन है और उसको हम पेपर पे कैसे बना सकते हैं प्वाइंटिंग टू अ मैन एक बंदे की तरफ प्वाइंट करके कैलाश ने कहा हिज सन उसका जो लड़का होगा इज माई सनज अंकल तो हम यहां पे पहले कैलाश बना लेते हैं कैलाश ने कहा एक बंदे की तरफ देख के हिज सन इज माई सन्स अंकल माई सन मीन्स कैलाश का लड़का होगा उसका कोई अंकल होगा तो वो हमने बना लिया अब दोबारा इंफॉर्मेशन को पढ़ते हैं एक बंदे को देख के कैलाश ने कहा हिज सन इज माई सन अंकल यानी कि ये जो बंदा है इसका जो बेटा है बेटा बेटा मीन सन वो मेरे लड़के का अंकल है दोबारा से इस डायग्राम की इंफॉर्मेशन को देखिए कि क्या हमने सही बनाया नहीं कैलाश सेड लुकिंग एट अ मैन हिज सन ज माई सन्स अंकल नाउ द्वेश्चन इज हाउ इज मैन रिलेटेड टू कैलाश यह बंदा कैलाश के साथ कैसे रिलेटेड है सबसे पहली इंफॉर्मेशन जो मुझे क्लिक हो रही है वो ये मैन और कैलाश इनमें एक जनरेशन का फर्क है एक जनरेशन का तो किसी भी हालत में यह बंदा कैलाश का ग्रैंड फादर नहीं हो सकता क्योंकि उसके लिए मुझे दो जनरेशन चाहिए किसी भी हालत में ये बंदा कैलाश का ब्रदर नहीं हो सकता क्योंकि वो सेम जनरेशन के होंगे किसी भी हालत में यह बंदा कैलाश का सन नहीं हो सकता सो दैट मीन्स हमारे पास आखिरी ऑप्शन क्या बचती है फादर की इससे हमें क्या पता चल गया कि एक बंदा है जिसके दो बेटे हैं कैलाश एंड अंकल तो जिसको हमने अंकल लिखा है वो शायद कैलाश के, के लड़के का एक्चुअली चाचा या ताया है पर इंग्लिश में हम चाचा या ताया को क्या लिखते हैं दैट इज अंकल तो इसलिए जो हमने बनाया वो बिल्कुल सही बनाया तो एक बार दोबारा इस स्टेटमेंट को पढ़ के वेरीफाई कर लेते हैं स्टेटमेंट ने कहा था हिज सन इज माई सन्स अंकल हिज सन हम जिसकी बात करते हैं मीन्स उसका जो बेटा है वो मेरे लड़के का अंकल है आई रिपीट ऐसे क्वेश्चन में आपके लिए आसान हो जाता है यदि आप क्वेश्चन को उल्टा चलाएं मैंने क्या किया इस क्वेश्चन को चलाने के लिए मैंने कहा हिज सन इज माई सन अंकल तो मैंने पहले स्पीकर जो कैलाश स्पीकर था उसका बेटा बनाया उसका अंकल बनाया फिर जो बची हुई इंफॉर्मेशन है वो यहां पे रखी तो उससे मुझसे आसानी से ये डायग्राम बन गया और कंप्लीट हो गया तो आई होप दैट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू आई गेस दीज क्वेश्चन आर इनफ टू गिव यू एन इनसाइट कि आपके पास रिलेशनशिप के क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं स्टूडेंट्स आर एडवाइज कि जो उनको शीट रिलेशनशिप की मिली है वो उसको अच्छे से सॉल्व करें यदि वो लेक्चर को अच्छे से देख चुके हैं तो उनको वो शीट बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगी डाउट्स बिल्कुल भी नहीं आएंगे और वो बड़ी आसानी से उस शीट को क्रैक कर पाएंगे सो विद दिस वी फिनिश विद दिस पर्टिकुलर टॉपिक विद नेम रिलेशनशिप थैंक यू